से नहीं थी, मुझे याद नहीं इसकी वजह क्या थी। तो मुझे कहती है कि तुम बड़े लीडर बने फिरते हो, दुनिया ये समझती है कि ये बड़ा केयरिंग पर्सन है और वुमेन राइट्स की हमेशा बात करते हो। तो जो अगर मैंने बताया कि अगर मेरे राइट्स कहाँ हैं तो फिर तुम्हें सियासत तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा इन्होंने को गल कही है कि जो भी मेरे सख्ती करनी शाम को कर लो सवेर में ना करो, यदा इम्पैक्ट लोगों पर होएगा पब्लिक पर होएगा। खातीन जो है ना, इनका एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने चीज़ लेनी नहीं होंगी, दुकान सारिया कर सलाम करो मिठू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मिठू। वाओ ग्रेट मिठू। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और उर्दू पॉइंट की टीम की तरफ से ईद मुबारक। आज हम हैं गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के घर। आज हम उनके साथ ईद का दिन गुजारेंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे और देखेंगे कि वो और उनकी मिसिज किस तरह ईद गुजारते हैं। तो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लगा आपको? हम आपने छापा मार लिया हमने आज आके। ये तो सरप्राइज दिया, वरना मैंने तो लोगों को फोन करके कहा था कि ईद किसी चैनल पे ही मुझे देख लेना, चैनल पे देख लीजिएगा। मतलब आपने एंट्री बंद की हुई है, हमें भी बहुत मुश्किल उन्होंने अंदर आने दिया क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईद का दिन है और गवर्नर साहब ने कहा है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तो उम्मीद करते हैं जी, अगर COVID-19 मेरा ख्याल है कि हम सबको जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं सैनिटाइज करके आई हूँ, सर मैं सैनिटाइज बहुत अच्छे से करके आई हूँ, मैं अच्छे से सैनिटाइज करके आ गई। आ गई हो हमारे साथ आए, चले किस तरह आपने अपना ईद का अभी स्टार्ट कैसे आगाज कर रहे हैं अपने दिन का? ये मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी की पहली ईद है जिसमें जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तल्लक वाले हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि मेहरबानी है टेलीफोन पे ईद मुबारक कह लो या किसी न किसी चैनल पे मैं ज़रूर आऊँगा, अगर प्यार मोहब्बत है तो उसी चैनल पे मुझे देख लेना। पर वहाँ पे जो उन्होंने आपको एक आके ईद मुबारक बोलना है, कुछ गिले शिकवे, पता है ना हमारी फैमिली माशाल्लाह पाकिस्तानी है हम लोग, तो हम लोग ऐसा जो भी दिन आता है जहाँ पे गेट टुगेदर होता है तो वहाँ पे हम एक दूसरे की बातें करते हैं, तो वो वहाँ पे तो नहीं हो सकते ना, तो वो तो मिस कर जाएंगे आप और वो भी मिस करेंगे। देखिए आप जो सूरत हाल है हम सब के साथ, ये एक ऐसी वबा हुआ है, इसका एक ही इलाज है कि एक दूसरे से वरना हालात जो है आपको देखा जाए। नहीं, लोगों से कहा है कि भाई इंशाल्लाह देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं जब पिछला रमजान का महीना तो 50,000 लोगों ने इफ्तारी हुआ और वो अमीर लोग नहीं थे मेरे साथ, सारी रेलवे के वर्कर, मीन के वर्कर, रक्षा ड्राइवर, मजदूर, किसान, पूरे सूबे के लोग अफ्तारी करते। इस दफ़ा मजबूरी है कि हमें अपनी भी एहतियात करनी है, लोगों की भी एहतियात करनी है, तो इस एहतियात की वजह से मैं समझता हूँ कि जब हम खुद एहतियात करेंगे तो फिर हमारी तरफ देख के दूसरे लोग भी एहतियात जो है, इसलिए थोड़ा सा सख्त रवैया जो है इस दफ़ा। नहीं पर आप जिस तरह मुस्कुरा के अपना सख्त रवैया बयान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जितने लोग देख रहे हैं उनको रवैया ये बड़ा पसंद आया होगा। मेरा मिसेस सरवर से सवाल है कि जैसे कि एहतियात वो कह रहे हैं और वो काफ़ी कह रहे हैं ना सख्त रवैया, तो आपके साथ रवैया इनका कैसा है, कैसे ताल्लुकात है आपके साथ? मेरे साथ तो सख्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और रात भी हमने बच्चों से बात की है फ़ोन पे, आजकल तो व्हाट्सअप कर लो उनकी शक्लें देख सकते हैं, उन्होंने भी अपने अपने घरों में ईद करनी है, बेटी अपने घर पे करेगी, बेटे अपने घरों में करेंगे, वो भी एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, तो मजबूरी है। अगर इसके बाद इंशाल्लाह हालात अच्छे होते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे को मिलेंगे भी और बहुत सारी बातें शेयर भी करेंगे। मतलब मेरे ख्याल से जब हम लोग मिलेंगे अपनों से हमारी ईद तो तब भी होगी, चाहे ईद पर मिल लें या ईद के बाद। मैं कहता जी वो दिन तो हम सब डेस्परेटली देख रहे हैं कि जब हम जाएंगे तो मिलेंगे। उधर मैं आपको एक और बता, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अपनी
तो जब से ये कोविड शुरू हुआ है वो घर वहाँ जाते हैं, जैसे ये विंडो है बाहर खड़े होके 15 मिनट 20 मिनट भगवान को सलाम करते हैं। ये अपनी अम्मी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी की बात कर रहा हूँ, मेरी अम्मी के घर में जाते बाहर रोते हैं कि हमने हमारे पास जाना है, लेकिन सख्ती से इनको बाहर से ही वापस जो है वो। चले अल्लाह ये मुश्किल वक्त में हम सबका, अल्लाह ताला तो मेरे ख्याल से खास करम है पाकिस्तान पे, लेकिन अगर लोग एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी से मामला हल हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल इससे पहले भी और अभी भी यही है कि जैसे कि अभी भी आपके चेहरे पे एक चमक है, एक मुस्कुराहट है, आपको किसी भी इंटरव्यू में देख लो, सियासत की बाजी में देख लो, किसी लोगों के रश में देख लो, राशन बांट रहे हैं तब देख लें, पानी के ऊपर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तब देख लें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो ये मुस्कुराहट किस चीज़ की है? क्योंकि हमारे जितनी भी नौजवान नस्लें हैं आपको पता है कि वो ज़्यादातर काफ़ी एक कहते हैं ना एक तंगी का शिकार है, एक मसले का शिकार है, वो कहते हैं कि हम तंग हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हम उदास हैं, हमारा दिल कुछ उदास है, तो क्या उनको कहना चाहेंगे? मैं जी अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको एक ही मशवरा दूंगा कि जब भी आप अपने आप को देखें, अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी हमेशा पॉजिटिव सोचे। हमारे लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो नेगेटिव सोचते हैं पॉजिटिव नहीं सोचते। मैं अपनी ज़िंदगी के जब मैं माजी को देखता हूँ तो मैं जो अच्छी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं वही मैं अपने दिमाग में लाता हूँ, वही रात को सोचता हूँ, वही सुबह जो बैड ड्रीम हैं, जो बैड टाइम है उसको बिल्कुल मैं जो है वो इग्नोर जो है वो करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंसान सिर्फ एक बार देख ले कि अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें दी हैं, नाक दिए हैं, हाथ पाँव दिए हैं, और फिर उन लोगों की देखे जिनके पास आत्मा की नियमत नहीं है, जो डेफ है, जो डम है, तो फिर आप अल्लाह ताला की फिर भी अगर शुक्र अदा ना करें, फिर भी आप खुश ना रहें, तो फिर किस बात पर खुश? क्या बात है। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि सर कितनी ईदी मिली आपको? ईद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं मांगूँ उन्होंने कभी ना नहीं दिया और कभी हिसाब नहीं मांगा, जितने भी मैं पैसे ले लूँ और वो मेरी मर्जी जितने इनको कह दूँगी वो दे दूँ। अच्छा वैसे कोई ईदी बख्शी है इन्होंने कि नहीं यार कोई नहीं मसला रहने दो, इस बार रहने दो, इस बार हालात नहीं चाहिए, मामला नहीं चाहिए, या हर बार ईदी ली है? देखें जी जब तो हमारे बरतानिया उस वक्त तो तुमने एक दफ़ा भी ईद याद नहीं कि जब मैंने पैसे दिए सही हो गया तो वो तो हम सारी फैमिली को देते हैं। और एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत सी फैमिलीज हैं वो सिर्फ जो ईद उल फितर है इसलिए बच्चों को फैमिली को ही देते हैं। हमारी फैमिली में ये ट्रेडिशन चली आ रही है कि हम अगर जो ईद उल फितर है उसमें अगर लेस एक हम 1 लाख रुपया देते हैं, दे रहे हैं तो जब ईद उजहा आती है तो हम 50,000 देते हैं। लेकिन ईद हमारी फैमिली में ऐसा चल रहा है कि ईद जरूर देनी है, चाहे बकरा ईद हो चाहे छोटी बड़ी ईद, क्योंकि हमारे तो कहा जाता है तो हम छोटी ईद पे बड़ी ईद ही लेते हैं और बड़ी ईद पे छोटी ईद ही लेते हैं, पर ले लेते हैं। तो मतलब आपने कभी भी इनको नहीं बख्शा ईद के हवाले से? ईद एक स्पेशल गिफ्ट होता है और अच्छा लगता है ईद है वो मिली नहीं, तो वैसे जो भी सारी ज़िंदगी इन्हीं की मेहनत से हमने कपड़े पहने, हर चीज़ ली है और इन्होंने कभी भी किसी चीज़ से मना नहीं किया है। इवन कभी एक कोई ऐसा वक्त बता दें जब इन्होंने मना किया हो या कुछ भी चाहे मजाक में किया हो, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं। कभी हो सकता है उन्होंने कहा हो तो ये कहते कह दिया होगा भी अभी नहीं कुछ मान रुक जाओ फिर हम ले लेंगे, ये हो सकता है। लड़ाई तो होती रहती है, लड़ाई अगर लड़ाई ना हो तो फिर हम नॉर्मल नहीं है। अच्छा लड़ाई, अरे कितनी मतलब सबसे मज़े की लड़ाई कौन सी है कि आप अभी तक सोच के आप उसको भी सोचती हैं और कहती हैं यार ये लड़ाई तो हमने ऐसे ही कर ली, मतलब हंसती हैं उस लड़ाई को? जब भी अभी हमारी कभी भी लड़ाई होती है वो टाइम पे होती है क्योंकि इन्होंने रात को 12:15 आना होता है और बहुत सारा वक्त जब फारग होते हैं तो दोस्तों की तरफ चले जाना, तो फिर मैं इनको कहती हूँ इधर तो बच्चे भी नहीं है तो सारा दिन अकेले रहना या ड्रामा देख लेना या पढ़ लेना तो एक वक्त होना चाहिए जो हम वक्त इकट्ठा गुजारें, फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं टाइम, उसके अलावा मेरी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं होती। बस लड़ाई हुई बस वो कभी कभी मुझे एक जो है इनकी बात हमेशा मैं कभी बताता भी नहीं कि नाराज़ ना हो, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा
बहुत ज़्यादा तो मुझे कहती है कि तुम बड़े लीडर बने करते हो, दुनिया ये समझती है कि बड़ा केयरिंग पर्सन है और वुमन राइट्स की हमेशा बात करते हो, तो जो अगर मैंने बताया कि अगर मेरे राइट्स कहाँ हैं तो तुम्हें सियासत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। पर देख लें ये वैसे मियां बीवी में चलता है, मतलब फैमिली में भी चलता है कि हम जितने मर्जी हम लीडर हो, हम कुछ भी बन जाए, घर में आएंगे ना, कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई जो मर्जी है तो बाहर है, घर साढ़ा है, हमें टाइम चाहिए, हमें ये चाहिए। अच्छा ये वार्डरोब इनका बड़ा अच्छा होता है, तो वार्डरोब आप सिलेक्ट करती हैं या वो खुद करते हैं? नहीं, इनके कपड़े जो होते हैं ज़्यादा मैं ही उनको बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनको कौन से कलर पसंद है। कभी कभार जब हम यूके में रहते थे उस वक्त कभी इनको साथ ले जाना, मैं अपनी मर्ज़ी से सूट ले लो क्योंकि उसकी फिटिंग देखनी होती थी, या जूते के लिए चले जाने, तो मोस्टली मैं ही लेके आती, क्योंकि इनको सोशल वर्क का पहले से शौक है, अभी भी शौक है। तो अभी आप इनसे पूछ रही थी कि क्यों हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, एक ये भी होता है जब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है, दिल से इंसान सोचता भी मैंने कुछ कर लिया ह्यूमैनिटी के लिए। मेरे ख्याल एक ये भी बहुत एक वजह जो है ना, हर वक्त ये लगते जैसे सुकून में होते हैं और रात को सुकून से सोते हैं, बिकॉज हमें लगता भी हमने कुछ कर लिया, एक तसल्ली होती है इंसान को। जहाँ पे सोशल वर्क की आपने बात की, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है और देखा भी है, पढ़ने की खाली बात नहीं है, अगर आप ना भी पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें हमें नज़र भी आ जाती है और पूरी दुनिया को इस बारे में पता है कि आपने पानी पर बहुत काम किया और आपने मतलब बहुत ज़्यादा काम किया, तो ये पानी का जो मसला है ये तो काफ़ी देर से हमारा चलता आ रहा है, तो इतना काम किसी ने नहीं किया जितना आप लोग कह रहे हो, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अस्पतालों में गया और सबसे ज़्यादा मुझे उस वक्त हुआ कि यहाँ पर जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ना जी, इसको मैंने ट्रेन करवाया था ग्लासगो के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, तो वहाँ से हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, जो हेल्प चाहिए वो करते हैं। इसी तरीके से ग्लासगो को लाहौर के साथ भी मैंने ट्रेन करवाया और रेस्क्यू 112 जो है उसकी भी सारी ट्रेनिंग, सारा आइडिया जो है स्कॉटलैंड से हमने यहाँ को रेस्क्यू को ट्रेनिंग किया। तो वहाँ अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स आए हुए, तो वो मुझे मिलने के लिए आए यहाँ के एमएस के साथ, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1,00,000 बच्चा गंदा पानी पीने की वजह से खराब था। फिर मैंने बहुत से स्कूलों में पता किया, उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चे स्कूलों में नहीं आते बिकॉज वो जो स्टोमिक जो है प्रॉब्लम, मतलब हाँ जी बचपन में हो जाता। तो फिर मैंने अपना एक पैशन बनाया कि मैंने जो भी हुआ मैंने पीने के साथ पानी का काम किया, तो मैंने फिर लोगों से डोनेशन इकट्ठे करने शुरू किए और फिल्ट्रेशन प्लांट है वो लगाने शुरू किया। अल्लाह के फजल करम से हम 2 मिलियन 20,00,000 लोगों को डेली पीने का साफ पानी हम जो है वो अब प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्वर फाउंडेशन इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन पाकिस्तान। हमारा प्रॉब्लम जो है ना हमारे हिंदुस्तान, जिससे सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है कि एक तो हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा हम पैसा जितना ज़ाय करते हैं बहुत ही ज़ाय करते हैं, हम देखते नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि पैसा भी कितना, अरबों रुपया जनरल मुशर्रफ ने शुरू किया था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ठीक है, और 20 अरब रुपया, और उस वक्त का 20 अरब रुपया जो है आज का 100 अरब, क्या पता उससे भी ज्यादा, वो पैसे लगाए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट बनाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, वाटर स्क्रीनिंग बनी, सब बंद। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने शुरू किया बंद, फिर नून ने शुरू किया साफ पानी, मतलब कोई यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर ही नहीं है कि वगरना अगर कोई पैसा ज़ाये स्टेट का कर दे तो उसकी ना तो माफ़ी होनी चाहिए, किसी को माफ़ी नहीं होनी चाहिए, फिर पानी के लिए। तो नॉर्मली फैमिलीज में आप देखें कि हमारे उल्ट चल रहा था, नॉर्मल फैमिली में बच्चे बाप से डरते हैं, बाप से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो डांटते हैं, मेरे बच्चे जो हैं मैं उनको नहीं डांटता, मैं डांट नहीं सकता, तुम्हें डांटती
तो इसलिए वो इससे ज्यादा। अच्छा, कभी आपने अपने बच्चों पे प्रेशर किया हो, जैसे कि पाकिस्तानी आवाम, माशाल्लाह पाकिस्तान में हम रहने वाले हैं, हम पाकिस्तानी है, प्राउड भी करते हैं, वो कहते हैं बस अभी बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने कहना है इन्हें डॉक्टर बनना है, इन्हें इंजीनियर बनना है, इन्हें वकील बनना है। कभी आपने सोचा हो या बच्चे पे कहा हो कि तुमने ये बनना, तुमने वो बनना, तुमने वो बनना, क्योंकि सियासत में भी आपके बच्चे रह चुके हैं, तो क्या आपका कभी प्रेशर हो अपने बच्चों पर? जहाँ तक मेरा तल्लक था, मेरे वालिदैन चाहते थे मुझे डॉक्टर, लेकिन मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना चाहता। मेरे घर वाले भी थोड़े थोड़े से चाहते थे, बड़ी मेरी यहाँ बैठी और मेरे वाले साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं पढ़ने लिखने में कमजोर थी या वैसे ही डॉक्टर नहीं बनना था? नहीं, पढ़ने लिखने च प्राइमरी च मिडिल ते हाई स्कूल तो बहुत तकड़े सी, नंबर वन सी, मतलब वो वहां तक ही थे। जब तक वालदा के साथ थे, घर में थे, गंदा था, उस वक्त तो ठीक थे, जब आजादी मिली फिर पढ़ने लिखने में कमजोर, फिर कमजोर हो गए पढ़ने लिखने। तो ये हमने, जहाँ तक मेरे बच्चों का तल्लक है, हमने कभी नहीं कि हम बस ये मेरी रूह की ख्वाहिश थी कि मेरा एक बच्चा जो है वो मुझे पॉलिटिक्स में पार कर लिया, पूरी होगी वो मेरा, मतलब ये मेरा वो बेटा मेरा एक ख्वाहिश पूरी होगी, अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा सियासतदान अच्छे हैं आपके जो हस्बैंड है? मेरे ख्याल है दोनों अपनी अपनी। नहीं नहीं नहीं, आपको एक बताना पड़ेगा, एक को तो नाराज करना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले नंबर पे एक को रखना, दूसरे पे दूसरे को रखना। मेरे ख्याल सर्वर साहब ज्यादा होंगे बिकॉज़ ये देखिए ये यहाँ पे खेल गई है, इन्होंने कहा है कि मैं हस्बैंड तो पास है, बच्चों को मैं मना लूंगी पर इनका नाम ले लेंगे। मेरे ख्याल से मेरा बेटा भी ये बात को मानेगा बिकॉज ही इज गॉट एक्सपीरियंस, विद एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस और थोड़ा सा हो जाता है, तो और इंसान अपने बड़ों से सीखता है। तो जब हम बिजनेस वाली बात कर रहे थे, तो मैं जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, जब उसको मैं बाहर लेके जाती थी गाड़ी में जाना कैश एंड कैरी से गुजरना, तो मैं अपने बेटे को कहती थी अगर आप समझदार हो गए तो इस कैश एंड कैरी के आप बॉस बनोगे। तो छोटे उम्र से मैं उसको उसके जेहन में डालना शुरू कर दिया था ताकि जरूरी होता है थोड़ा सा बच्चों को इनकरेज करना। चीज़ ये है कि लाइफ जो है बच्चों को, सारे बच्चे हैं तो पाकिस्तान के पंजाब के सब बच्चे अपने बच्चों की तरह, कि बच्चों को ये सिखाना कि दे शुड बी रेडी टू ग्रो इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांस। लाइफ जो है कभी भी स्मूथ नहीं चलती, लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, चैलेंजिंग वक्त आते हैं, कभी आप कामयाब होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं। तो जब आप नाकाम होते हैं, मैंने कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती तो मैं कहता अल्लाह के लिए। जब हमारा वक्त था तो उस वक्त 5-10 रुपये भी बड़ा पैसा होता, बहुत पैसा वाकई होता। मैं मुझे अजी अभी तक याद है कि जब मैं मेरा ख्याल तीसरी जमात में पढ़ता था, तो ये 59-60 की बात होगी, तो मुझे जो जब ईद थी तो मुझे कहा गया कि मैं तकरीर करूँ, और देट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। मैं रात को सोया नहीं, इतने 100 लोग होंगे, मैं उनके सामने तकरीर करूँगा, कैसे करूँगा, ये करूँगा। तो आई मेड ए गुड स्पीच, अच्छी होगी। तो मुझे वहाँ पर 2-3-4-5 लोग थे, तो उन्हें 1-1 रुपया, 2-2 रुपये। क्या बात है, आपकी तो ईद होगी, आपकी तो ईद इसी वक्त होगी। वो जो मंजर है, जिस लाभ से लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे पैसे दिए, उसने मुझे स्पीकर बना दिया। क्या बात है, ग्रेट। तो ये जो ईद है बच्चों को, अब भी माशाल्लाह, अब उस वक्त उतने पैसे पड़े होते थे, पर अब तो बच्चों को अगर दिया जाए, कम भी दिया जाए, तो वो कहते हैं इतने बस नहीं, बस ये आप तो डिमांड करते हैं, वो कहते हैं इतनी ईद दी। नहीं नहीं, ईद देने के बाद जो कहते हैं अबू ये भी हमें ले, हाँ ये भी कर दो, ये नया अब मोबाइल। मुझे ये बताएं, नहीं मुझे ये बताएं कि मुझे जहाँ तक याद है ना, मुझे जब भी ईदी मिलती रही है, और मतलब काफ़ी ईदी मिलती रही है, क्योंकि भाइयों से, अम्मी से, सबसे ईदी मिलती रही है, तो जिसने अगर ईदी दे के जाना ना, कोई बाहर से खाला लोगों ने आना किसी ने, तो उन्होंने जैसे ही जाना, अम्मी ने पैसे ले लेने, अम्मी ने कहना इधर दे दो, मैंने कहना अम्मी जी मुझे ईदी दी है, अम्मी ने कहा नहीं नहीं मैं भी तो उन्होंने तीन ईद देनी है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी अम्मा ने आपके पैसे ले लिए हो कि नहीं ईद हमने भी देनी है? नहीं कभी नहीं हुआ। दोनों अलग अलग देते हैं कि इकट्ठी ईद देते हैं? इकट्ठी। क्या बात, कुछ तो कहीं तो पता होना चाहिए।
देना भी जरूरी नहीं है ना। अच्छा मतलब आप भी मानते हैं कि आप डरते हैं अपनी बेगम से, आप भी मानते हैं कि आप मिसेस सर्वर से डरते हैं? नहीं नहीं डरते नहीं, नहीं नहीं देखिए जरा वो बोलना चाह रहे हैं कुछ ना। आपने ये कहा ना कि जी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो जब मास्टर ने आके ना बाबा उन्हें सामने से सख्ती करनी या डंडा सोटी चलानी हाथों पे, असी बाहर निकले असी कहना आज अपनी गुड़ी में लग गया। ऐसे हकीकत है हमारे भी अगर मार्क्स कम आते थे ना, तो हम क्लास में बैठे हुए, अभी कॉलेज लाइफ की बात है, कोई 3 साल पहले की बात है, तो हमें अगर सर ने कहना ना निकल जो क्लास से, आउट हो जो, 0 नंबर, अंडा, हमने कहना बुड्ढी तो लड़के आया। अच्छा मैं तो नहीं कई जोड़ी हकीकत में नहीं है, बुड्ढी तो दबका प्यार हो तो मूड सारे दिन खराब ही रहता है। मतलब आपने दबका मारे कभी इनको? इस वास्ते मैं हमेशा इन्होंने कोई गल कही है कि जो भी मेरे ना सख्ती करनी शाम को कर लो सवेर में, इसका इंपैक्ट लोगों पे होगा, पब्लिक पे होगा। ये परफेक्ट हो गया। अच्छा मीठे में क्या इनको पसंद है? ईद के पहले दिन मतलब आज शुरू है, तो क्या आपने मीठे में खाया? मीठा इनको सेवियां भी खा लेते हैं, सेवियां जो होती है, जर्दा इनको पसंद है, गुड़ वाले चावल इनको पसंद है। अभी हम बात कर रहे थे ना डिवाइस की, तो जब हम यूके में रहते थे ना, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के दरमियान जब झगड़ा होता था ना, बार दफ़ा हमारे पास उन्होंने आ जाना भी, आज मेरा मियाँ मुझे डांट रहा है, या खाउंद ने आ जाना, वो हमारे साथ लड़ रहा है। तो कुछ दिन बाद है ना, इनको मैंने कहा वो लोग दोबारा नहीं आते, क्योंकि एक दफ़ा मुझे एक कपल बार मिला, तो उनकी मदर इन लॉ भी साथ थी, तो उनके दरमियान बड़ी सुलह सफाई थी। इनको मैंने पूछा भी आप उनसे कौन सी एडवाइस देते हैं, उन्होंने घर में क्या करना है, तो मेरे ख्याल यही बताएं तो बेहतर। हाँ मैं, क्योंकि मेरा ये सवाल भी था कि जितना आप लोगों में मोहब्बत है, एक नया ट्रेंड चला है बरतानिया, पहले तो मियां बीवी की लड़ाई होती थी, ठीक है, कहते थे कि जी मतलब मियां बीवी और वालदैन की कोशिश होती थी कि इनकी सुलह करवानी है, बेटा एक दफा शादी हो जाए इसको हमेशा रखना, इसको बरतानिया में उल्टी गंगा बह, वहाँ माँ बाप कहते हैं बच्चे को, बच्चा खुश है अपनी बीवी, माँ बाप कहते हैं किसको ये हमारी खिदमत, तो ये पाकिस्तान में बताएं, पाकिस्तान में क्या बताएं, वहाँ वहाँ मुझे यहाँ तो इतनी मैं सोशल वर्क मेरे पास है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा ये केस आ, तो मेरे पास एक दिन एक लड़का आ गया, कहता है अंकल बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ मेरी अम्मी है उसको, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको सोल्यूशन देता हूँ, इस पे अमल करें, बीवी को समझा दो कि मैं माँ के सामने सख्ती भी करूँगा तो बर्दाश्त कर ले, तुमने बर्दाश्त करना है, फिर मैंने कहा 2-4 हफ्ते करो सख्ती, और उन बीवी को जल ही रोना भी शुरू कर दे, अपनी माँ करो तेरा पुत मैं नया कर दा, तो उसकी तुम्हारे में हमदर्दी पैदा हो जाए। वो 4 हफ्ते बाद आया कहना अंकल वो फार्मूला काम कर गया। मतलब आपने सही बता दिए। वैसे इस तरह की आजकल वीडियोस भी बहुत चल रही हैं कि मियाँ बीवी रूम में बैठे हुए हैं और हस्बैंड अपनी बेगम के पांव दबा रहा है, तो एकदम से अम्मी आती है तो वो सर दबाने लग जाती है ना बेगम उनकी, अम्मी जाती है तो वो दोबारा से अपनी बेगम के पांव दबाने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दिया लोगों को कि अगर खुश रहना है तो एक दूसरे के साथ। आजकल तो मैं आपको बताऊं कि हर चीज जो है ना, अपनी जो मियाँ बीवी की शादी है ना, उसमें भी अगर आप डिप्लोमैट नहीं होते तो कामयाब नहीं होते, आपको टॉलरेंस करनी पड़ती है, आपको कई दफ़ा पता है कि वो गलत है, लड़ाई से बचने के लिए कह दो ठीक। मेरी पहली कोशिश होती है, क्योंकि मैं एक जैसे प्रवीण ने कहा मैं एक सोशल वर्कर, मेरे पास बीवी आती थी कि मैं खावन से बात कर लेती, खावन आता बीवी कर लेती, बेटी अपने बाप की बात कर ले, कोई भी मेरे पास सोशल वर्क अपना बच्चों की तरह उनको एडवाइस करूँगा कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ऐसे कर लें। लेकिन एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, और मैं कहता हूँ पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आप अच्छे तरीके से, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे जो नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक। बेशक, लेकिन अगर एक हर रोज ही लड़ाई होनी है, हर रोज ही झगड़ा होना है, तो फिर बेहतर है कि क्योंकि लाइफ ये नहीं है कि हर रोज आप ट्रबल में रहे, हर रोज झगड़ा करें, फिर ये हमारा वो देसी स्टाइल पुराना नहीं, और हम जनाजा ही तेरा बेटी निकलना चाहिए उसका, तू उनसे कर लेना, इस चीज में I'm not for this.
चले सही हो गया। गुफ्तगू तो हमने बहुत कर ली, अब थोड़ा सा हम घर में भी फिरते हैं क्योंकि हमें मिसेस सरवर काफ़ी कुछ बता रही थी कि उन्होंने आपके लिए काफ़ी कमरे अलग अलग से अरेंज किए हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या अरेंज किया और वहाँ पर आप क्या क्या करते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर चलते हैं उधर। This is my favorite aisle. सारे हमें swords वगैरह मिली है, सरदार साहब को मिलती है gift. तो मेरा जो grandson ये अगर कोई है ना देखे, राम लोग आते हैं ना सारे हर तरफ ये तलवारें उधर आपने हाँ जी मैंने अंदर भी देखी हैं और यहाँ पर भी देखी हैं। शायद मैं वारियर हूँ। हाँ जी। लेकिन ये लोगों ने gift क्योंकि मेरा सिखों से बहुत ज्यादा दोस्ती है, ज्यादा सिखों ने दी हुई। अच्छा सबने ये गिफ्ट दिया, तो आपकी सबसे इनमें से पसंदीदा कौन सी है सबसे ज्यादा? ये वाली। अच्छा इसमें ऐसा क्या खास है कि आपको सब में से ये ज्यादा पसंद? बस ये अपने ये मुझे अच्छा। अच्छा आपको ये अच्छा लगता है, क्या बात है। ग्रेट। उनका खोला है ना ननकाना खोला, उसमें से उन्होंने आपको दे दिया। सरवर साहब और मिसेस सरवर की पिक्चर के बारे में मुझे अगर कुछ बता दें। ये है ना एक पेंटर था, उन्होंने पेंट करके गिफ्ट दी थी हमें और मैंने उसको इस गिफ्ट की कीमत दे दी थी। मैंने कहा आपका इतना अच्छा टैलेंट, आप ऐसे करें अपना कारोबार शुरू कर लें। क्या बात है। तो यहाँ पर तो माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ना होता है अच्छा लगता है। वैसे भी आधा घंटा सुकून लेना, आधा बंद करके मैं सो जाते हैं यहाँ पे। मतलब जब है ना कभी भी पढ़ना हो, बाज़ एक एरिया होता है, एक माहौल होता है, सुबह से कोजी रूम और इनकी जो पसंद वाली किताबें इधर होता इसमें बैठ के इनकी मर्जी होती, जो भी इन्होंने पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जी। ये वाला जो रूम आपने इनके लिए डिजाइन किया है, इनके लिए बनाया है। ये कमरा टीवी भी है, अगर इन्होंने टीवी सुननी होती है। फिर चेस भी हमने रखा था, कभी खेला नहीं, सोचा था जब टाइम होगा तो हम खेलें। क्या बात है। अच्छा किसी और इतना तर्जमा नहीं है। अच्छा मुझे इस पिक्चर के बारे में कुछ बताएंगे, ये कब की तस्वीर है? ये भी है ना उसी पेंटर ने पेंट करके जो सबसे पहले इन्होंने इनको गिफ्ट दिया था, जब वो गिफ्ट लेके आया तो उस वक्त लास्ट ये दिस इज देन लाइक बिकेम गोन द लास्ट टाइम। हां जी ओके। तो मैंने उनको पैसे दे दिए इस तस्वीर के लिए, मैंने कहा मैंने किसी का हक नहीं रखना। क्या बात। फिर उसके बाद उसने वो वाली बना के दी, फिर उसके भी मैंने उसको पैसे दे दिए। क्या बात है। मैंने कहा आपके अंदर इतना टैलेंट है अपनी, और ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये आपकी पसंदीदा तस्वीरें हैं, इसके अलावा भी आपकी कोई पसंदीदा तस्वीर है? ये मैंने इसलिए लगाई इधर ताकि ना जब मैं वहाँ भी बैठी हूँ तो मुझे लगता है ये ना इनकी नज़र उधर ही है। मतलब कि सरवर साहब आपको वहाँ पे बैठे देख रहे हैं, हर खबर पे नजर और आपकी हर मोमेंट पे आपको नजर वो देख रहे हैं यहाँ से। क्या बात है। मतलब दरवाजे से अंदर एंटर होते ही सबसे पहले इनको देखा जाता है। चले बाहर चलते हैं। इसका नाम क्या रखा हुआ? क्या बात है। मिसेस सरवर साहब आपको कितनी बार शॉपिंग पे लेके गए हैं? क्योंकि जो
ख्वातीन होती है ना, उनकी दिली ख्वाहिश होती है चाहे उनका हस्बैंड जो मर्जी बन जाए, दुनिया का सबसे अमीर बंदा भी बन जाए, तो वो कहते हैं कि जो शॉपिंग अपने हस्बैंड के साथ जाने में और करने में मज़ा आता वो वैसे नहीं आता। तो कितनी बार लेके गए आप मेरे साथ शॉपिंग? सिर्फ इनके लिए जाती हूँ, इन्होंने अपनी शॉपिंग करनी होती है। आप कभी भी नहीं लेके गए इनको? नहीं, मेरे साथ चले जाते हैं। और होता ये है कि चले जाते हैं ये जो ना खातीन जो ना इनका एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने चीज लेनी नहीं होती, दुकान सारियाँ गायब। अच्छा, मतलब ये इनका भी यही हिसाब? मतलब कोई दुकान नहीं, इतने भी जाना, इतने भी जाना। तो मैं नहीं, हम लोग ये करते हैं। वैसे मर्दों का ये होता है कि वो एक दुकान पे जाते हैं, उन्होंने घर से सोचा होता, जाते हैं पांच छह चीजें निकालते हैं, उनमें से दो ले लेते हैं। हमारा ये होता है कि हमने सौ दुकानें फिरनी है। हमने कहना वो पहले वाली दुकान से मेरा स्टैमिना में दो तीन चार दुकानों तक आई विल सॉर्टेड। क्या बात है दादी, अभी भी सही है, अंदर चलते हैं। बाकी मतलब सरवर साहब ने बात खत्म कर दी कि एना दी अम्मी दी। वैसे ज्यादातर कहते हैं कि हाँ भाई, जब शादी हो जाए तो अपनी अम्मा से ना बात करना, वो तुम्हें बातें करेगी। अम्मा खराब ही करती है। मेरी अम्मी आज तक समझ आई पूरी दुनिया दे वैसे कि कोई मां मैं अपनी बेटी दे बारे नेगेटिव करती नहीं सुनी। बहुत घट ससा वेखिया ने जी नूह की गल भी चंगी कर दी। मेरे ख्याल से एक टाइम लगता है उनको समझने में, और उनको टाइम देना चाहिए घर में आके उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी मिठू, और हम इकट्ठे मिल के शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। मेरे जो बेटे हैं उनको हम बेबी सिटिंग के लिए कह देते हैं कि आपने बच्चों को संभालना, हम इकट्ठे मिल के शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, खाने पे भी जाते हैं। सभी को गुड अंडरस्टैंड। तो देख लें, मिसाल आपकी बेगम ही आपके सामने, उनके साथ इनको बताए ना आप, इनके आप इन्हें अच्छी एक सासू माँ कहते हैं कि नहीं? मतलब आपको लगता नहीं है? सच बताइए। जो लाइफ का सफर है ये लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर, और इसमें जो है मैं आपके लिए बताऊँ की जिन फैमिली में आपस में इत्तेफाक होता है जैसे कि अगर हम दुकानों पे भी जाए तो वो कहता है ना बीबी तू कपड़े नहीं खरीदने, तो वो फिर बीबी भी आगे से कहते तुम लड़के आया करो। तो वो हिसाब होता है कि जैसे आपने कहा कि शाम को लड़ लो मेरे साथ, सुबह ना लड़ो। मैं तुम एक और गलना जैसी वजह मैं पहले दुकान करता था, वो काम जाने तो मैंने मार्केटिंग लगानी शुरू किया। ठीक है, जब मैं जुटे तो मार्केटिंग ये था कि एक स्टॉल लगाते थे, उसमें कपड़ा लेडीज जम्पर लेडीज सब कुछ, तो आना लगाए, बड़ी मेहनत की, लगाया। एक खातून आ रही है, उन्हें अभी तय तोड़ती, अगली दिन भी तोड़ती, तो उसके बाद इट्स नाइस बट कम बैक, नेवर कम बैक। मैं उसके बाद फैसला कर लिया कि मैंने कपड़े का बिजनेस मतलब आप तय लगाने की वजह से आपने कहा कि छोड़ दो, कोई चीज नहीं आके सिर खाना। हमने सारा दिन आपके साथ स्पेंड किया और अभी शाम हो गई है, और इसके बाद हम खाना खाएंगे क्योंकि बड़ा मज़े का, मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैंने कहा काम पूरा कर लें। तो आप बताएं कि आपको उर्दू पॉइंट की टीम के साथ बातचीत करके ईद का पहला दिन गुजार के कैसा लगा? बड़ा अच्छा जी, क्योंकि आज लोग तो आ भी रहे जहां वेलकम नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके आने से पर हमने तो ज़बरदस्ती वेलकम करवा लिया आपसे। थोड़ा सा हमें चलो ये तो लोग कहेंगे चलो ईद जो है अकेले नहीं गुजारेंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया।
और बड़ा अच्छा होगा। आई होप यू एंजॉय द मील। इंशाल्लाह मैं बस अभी खाऊंगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी भूख लगी है काम करके, और मेरे ख्याल से जितनी बातचीत मैंने आपसे और आपसे कर ली है तो आपको भी भूख लगी होगी। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, उर्दू पॉइंट की टीम को टाइम दिया। तो मज़ीद इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे उर्दू पॉइंट को देखना मत भूलें, क्योंकि हम हमेशा कोई नई वीडियो लेके आएंगे, नई पर्सनैलिटी से मिलेंगे और उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।